दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपीटेट के रिजल्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तिथि तक आपका जो परीक्षा परिणाम है उसकी संभावना है, रिजल्ट की संभावना है जो है वो जारी हो जाए। ऐसे में यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है उसके भी बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम आपको बता दें, ये जो अपडेट ऐसे में दिया गया है, ये अपडेट दिया गया है राकेश पांडे जी के द्वारा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह ने लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय सभागार में महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह, विशेष सचिव श्री अवधेश तिवारी समेत विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यहाँ पर अगर मैं जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा की बात करूँ तो उसको जल्दी से कंप्लीट करने की यहाँ पर उम्मीद जताई है। जो TET का रिजल्ट है, यूपीटेट का रिजल्ट 9 अप्रैल को आने की उम्मीद बताई है। जो डेट है वो 9 अप्रैल की तिथि दी है यहाँ पे। वहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो मई के लास्ट या जून में आने की उम्मीद है। ये एक जस्ट एक सार निकाला गया है जो भी बैठक हुई है उसके बाद से, बाकी इसमें कितनी वास्तविकता है ये समय ही बताएगा। ऐसे में देखेंगे क्या कुछ है कि आपका टेट का रिजल्ट आपका 9 तारीख को आता है या नहीं, और बाकी सारी जो आपकी भर्तियों को लेकर के बात की जाए, जो जूनियर एडेड अभी फंसी हुई है बीच में, और एक नई प्राथमिक भर्ती की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर अपने विचारों को आप ज़रूर यहाँ पर रखिएगा। बाकी कोई और ऑफिशियल अपडेट अगर हमें मिलती है यूपीटेट के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग या नई भर्ती के रिगार्डिंग, तो उससे हम आपको अवगत ज़रूर कराते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकियों तक भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।